अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप मुझे जानते हो, मैं कादिर भाई के साथ एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि कार्बोरेटर जो होते हैं, इसमें बिल्कुल गंदा कार्बोरेटर होता है जो बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, उसको किस तरह साफ़ करते हो और उसका आसान तरीका क्या है। कि एक सर्फ होना चाहिए आपके पास और सादा पानी होना चाहिए आपके पास। तो सादा पानी कहीं से भी आप उठा सकते हो और सर्फ कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसको साफ़ करके बिल्कुल नए जैसा कर सकते हो। तो खैर, अभी वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो ये सर्फ, इसमें पूरा सर्फ, एक 10 रुपये वाला कोई भी आप सर्फ इस्तेमाल कर सकते हो। तो सर्फ इसमें मुकम्मल डाल दो। सर्फ डालने के बाद ये होता है कि सर्फ से जो कार्बोरेटर के जो दाग होते हैं, कार्बोरेटर डाल दो। कार्बोरेटर डालने के बाद इसमें 10 मिनट के लिए कार्बोरेटर को डाल दो, ताकि कार्बोरेटर इसमें मुकम्मल भीग जाए। भीगने के बाद इसको आप ब्रश जब लगाओगे ना, तो बिल्कुल चमक जाएगा। अब ये भीग गए, अभी इसको हम ब्रश लगा देंगे। तगारी अगर आपके पास है तो तगारी में ये होता है कि कुल्ला आसानी से साफ होता है। उसके बाद जो है ना, इसमें एक सादा पानी, आपके पास कोई भी सादा पानी, वो सादा पानी आप इसके ऊपर लगा दो।
आप देख सकते हो बिल्कुल कार्बोरेटर नए जैसा हो गया है, और बिल्कुल उसके जो जितने भी दाग थे सारे चले गए। तो खैर जितना आप मैंने हमने आपको सिर्फ वीडियो इसलिए बना के दिखाया आपको समझ में आने से, तो इसमें आप जितना मेहनत करोगे उतना ही साफ होगा। तो इसमें कितना पहले किस तरीके से था फिर कैसा हो गया, मैं आप खुद देख लो कि कितना साफ कर दिया मैंने। तो आप जितना अपने बाइक पे होगा जितना कोने कांचे साफ करोगे उतना ही साफ, कोने में ब्रश जा रहा था मैं साफ करके आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे हमारा ब्रश नहीं जा रहा था इसलिए हमने मुख्तसर करके आपको वीडियो बना के दे दिया।